वेरी प्रिसाइज का मतलब है इट कैन काउंट अप टू मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. Student has been asked to determine as accurately as possible the volume of a piece of wire. The wire is about 80 cm long and about 0.2 cm in diameter. Length किसने measure करेंगे? 80 cm long है. Meter rule 0 से लेकर 100 cm तक की reading को note करता है. तो answer क्या है इसका? या तो A होगा या B होगा. अब diameter किसने measure करेंगे हम? Micrometer से. ठीक है, तो answer इसका A. वर्नियर कैलिपर अब आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन वर्नियर कैलिपर मैं आपको रेंज लिखवा देता हूं. लिखें जरा रेंज. मीटर की बनी है, मीटर रूल की बता. देखो एक चीज लिखो जरा, मुझे बता से समझ आ जाएगा. सबसे छोटा सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जो सबसे छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है वो है माइक्रोमीटर. और माइक्रोमीटर रीडिंग मेजर करता है 0.01 सही है, 0.01 से लेकर 2.5 मिलीमीटर तक. सॉरी 25 मिलीमीटर तक, सही. 0.01 से लेकर 25 मिलीमीटर तक माइक्रोमीटर है. ठीक है, और उसके बाद आप लिखें मीटर रूल. सॉरी वर्नियर कैलिपर लिखें. इसका एक डेसिमल प्लेस कम कर लो, 0.01 था ना, तो 0.1 होगा. 0.1 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक वर्नियर कैलिपर है. उसके बाद अगर आप बात करते हैं माइक्रोमीटर रूल की, तो मीटर रूल मेजर करता है 1 मिलीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक. 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर. और मेजरिंग टेप का भी यही है. मेजरिंग टेप लेकिन जो उसकी आगे वाली रेंज है ना वो ज्यादा है, मतलब सेवरल मीटर तक, 0.1 सेंटीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक मेजरिंग टेप की. तो वो कह रहा है कि ये 0.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है. तो ज्यादा प्रिसाइज कौन है आपके पास, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर? माइक्रोमीटर, वो ज्यादा छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है, इसलिए आपका आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑन दिस माइक्रोमीटर? देखिए बेटा ये जीरो है, जीरो के बाद ये होता है 0.5, फिर 2.5, 3.5, 4.55, 5.56, 6.5. मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? 6.5 मिलीमीटर. और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 13 है. तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है आप उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 × 0.01 ये हो गया 0.13. इन दोनों को ऐड कर लें आप, 6.63 मिलीमीटर इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स, व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर मिलियंस ऑफ वॉट्स? मिलियन मतलब मेगा. अच्छा ये मिली, लेकिन डब्ल्यू जो है वॉट का सिंबल वो छोटा बना हुआ है इसलिए गलत है. ठीक है, और उसने मिलियन बोला है, मिली नहीं बोला हुआ. ये मिली वॉट्स लिखा है, ये मेगा लिखा है, लेकिन वॉट गलत लिखा हुआ है, और ये मेगा वॉट लिखा हुआ है. तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर है. अगर वो मिली वॉट्स बोलता तो आंसर होता बी, और अगर मेगावाट बोला हुआ है तो इसका आंसर है डी. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट मोशन. अ प्लेन फ्लाइज ड्यू ईस्ट फॉर 600 किलोमीटर. रनर्स एवरेज स्पीड इन अ रेस अराउंड अ ट्रैक इज 5 मीटर्स पर सेकंड. अ स्नेल क्रॉल्स एट 3 मिलीमीटर्स पर सेकंड इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स अ लेटस. अ टूरिस्ट ट्रैवल्स 500 किलोमीटर ऑन अ जर्नी. कौन सी स्टेटमेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं? ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है 1 में, और इसमें टुवर्ड्स द लेटस लिखा हुआ है, इसलिए आंसर इसका बी है. क्योंकि दो में डायरेक्शन दी है, बाकी में डायरेक्शन नहीं है. वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. अ प्लंबर मेजर्स एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल द लेंथ एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ स्ट्रेट कॉपर पाइप. द लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर and the internal diameter is approximately 2 cm. What is the best combination of instruments for the plumber to use? Internal diameter
वर्नियर कैलिपर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इंटरनल डायमीटर वर्नियर कैलिपर और लेंथ आप मेजर करेंगे मीटर रूल से, क्योंकि 80 सेंटीमीटर है और स्ट्रेट है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट होता है वोल्ट, हीट का क्योंकि एनर्जी है इसका यूनिट होता है जूल, प्रेशर का होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेट का होता है न्यूटन। तो आंसर क्या है? बी। बाकी का गलत लिखे हो। द डायग्राम शोज अ स्टॉप वॉच, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्टॉप वॉच? 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। तो आंसर इज 36.0। इसको ड्रॉ करें और खुद से सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन नंबर ये जो वन आपके पास है एमसीक्यू, इसमें दो वेक्टर्स हैं 4 और 3। 4 किस तरफ है? राइट साइड पर। तो पहले अगर आप 4 बना रहे हैं तो फिर 3 न्यूटन का वेक्टर कहां से बनना चाहिए? 4 के हेड से। तो बनाए जरा। अच्छा मैं देखें, मैं पहले 3 बना रहा हूं, देखें मैं यहां पर पहले 3 बना रहा हूं, ये 3 बन गया, फिर मैं 4 कहां से बनाऊंगा? 3 के हेड से। तो ये रिजल्टेंट कहां से कहां होता है? फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड पर। ये वाला वेक्टर देखें कहां बना हुआ है, यहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर? रिजल्टेंट कहां से बना हुआ है? A पे बना हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो ये दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अब आप जरा खुद से करें, 4 के बाद 3 बनाएं, पहले 4 बनाएं और फिर 3 बनाएं, चेक करें रिजल्टेंट आपका किस डायरेक्शन में आ रहा है। लेंथ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, सिर्फ दो लाइनें बना लें तो आप वैसे भी बना सकते हैं। 4 राइट पे बना रहे हैं तो 3 4 के हेड से बनेगा अपवर्ड्स। आप जो दिल चाहे पहले वेक्टर बना लें, चाहे 4 बनाए चाहे 3 बनाए, जब दोनों में से कोई भी एक वेक्टर आप बना लेंगे तो दूसरा वेक्टर उसके हेड से बनेगा, सही है। दो वेक्टर्स बन गए, रिजल्टेंट होगा पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड की तरफ, ठीक है। और वो जहां पर बन रहा है वहां पर आप ऑप्शन में देख लें तो इसका आंसर आ रहा है ए। हाँ ओके नेक्स्ट जी। अब मुझे बताएं, ये 2 है और ये भी 2 है, कितना हो गया? 0। ये 2 है ना, ये भी 2 है, कितना हो गया? 0 हो गया। 180 डिग्री है, है ना, ओपोजिट डायरेक्शन है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये कैंसिल होगा या नहीं? तो आपको 2 न्यूटन की फोर्सेस नजर नहीं आनी चाहिए। क्यों नजर आनी चाहिए? क्योंकि वो कैंसिल हो गए। ये कितना है? 4। ये कितना है? क्या आंसर है? 4। नेक्स्ट ये कर लिया था हम लोगों ने, इसका आंसर क्या था? A आंसर था 4 न्यूटन। क्यों था वरुण बताएं जरा? 90 पर कैसे निकालेंगे फोर्स? तो लगाओ जरा क्या होगा? 5 स्क्वायर 7 4 स्क्वायर 15 3 स्क्वायर ऐड करो 25 25 का रूट 5 रिजल्टेंट कितना हो गया? 5 कब? 90 पर। 0 पर 0 पर 7 है 3 प्लस 0 पर 7 जीरो का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या आंसर आ रहा है? 90 पर क्या आंसर आ रहा है? तो 5 टू 7 पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है, तो 4 इज आउट ऑफ द रेंज। ओके नेक्स्ट, अ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, व्हाट इज डन टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट आंसर? मेक द माइक्रोमीटर हॉरिजॉन्टल एंड देन यूज द स्केल्स टू फाइंड द रीडिंग। लॉजिकल है कि माइक्रोमीटर हॉरिजॉन्टल होगा तो रीडिंग लेगा और वर्टिकल होगा तो रीडिंग नहीं लेगा, ठीक है। तो ए गलत हो गया। कभी भी हम सबट्रैक्ट करते हैं फिक्स स्केल रीडिंग, यहां की रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को, हम हमेशा इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये दोनों आंसर गलत हो गए। यूज द स्केल्स टू फाइंड द रीडिंग और ऐड और सबट्रैक्ट एनी जीरो एरर। हम हमेशा ऐड सबट्रैक्ट क्या करते हैं? जीरो एरर। जीरो एरर दो होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एरर होता है तो उसको सबट्रैक्ट करते हैं और अगर नेगेटिव एरर होता है उसको ऐड करते हैं। इस चीज के लिए जरा मैं एक दफा आपको बता देता हूं क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। दो तरह के एरर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मैंने आप लोगों को रेंज लिखवाई हुई, फिर से देख लें। ये मिलीमीटर में लिखी है, 0.01 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर, चेक करें, ये लिखी थी। फिर उसके लिखी हुई है, ये मैंने मिलीमीटर में लिखी है और आप लोगों को मिलीमीटर में लिखवाई हुई थी।
ठीक है, तो ये 15 या 25 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ। अगर मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हो तो एरर कितना होता है? कोई एरर नहीं। लेकिन अगर मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से जो है ना वो ऊपर हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं अनइवन है, तो कितना ऊपर है? दो ऊपर है, ये पॉजिटिव एरर। इसका मतलब है अगर आपका आंसर 6.63 आ रहा है तो एक्चुअल आंसर 6.61 है। देखो ये आंसर क्या आ रहा है आपका, 6.63। ठीक है, लेट से आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जॉज को क्लोज किया, सही, जॉज को क्लोज किया, रीडिंग क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आपने उसमें कुछ नहीं रखा, तो क्या रीडिंग आनी चाहिए? जीरो नहीं आ रही, 10 आ रही, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस खराब है, एरर है। ये एरर पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर? पॉजिटिव है। आप 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो रीडिंग क्या शो करेगा? 110 ग्राम। तो सही आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 10 को माइनस करेंगे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिस पर कुछ नहीं रखा हुआ और वो 10 ग्राम रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब है अगर आप कुछ भी रखेंगे तो ये 10 ग्राम ज्यादा बता रहा होगा। ठीक है, अब आप देखें इस तरह से सोचें इसको कि मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जॉज को क्लोज किया, रीडिंग क्या आनी चाहिए थी? लेकिन जीरो नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें एरर है। अब दो बातें, या तो एरर पॉजिटिव होगा या एरर नेगेटिव होगा। ये वाला एरर आप देखें, ये जो मेन स्केल का जीरो है वो ऊपर है या नीचे? ऊपर है। मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल लेफ्ट वाले को कह रहा हूं, ये जीरो सर्कुलर स्केल से ऊपर है, कितना ऊपर है? दो। तो ये पॉजिटिव एरर। अब दो ऊपर है ना, मैंने आपको बताया था सर्कुलर स्केल की रीडिंग को 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको दो लिखूं या 0.02 लिखूं? अब मेरा एरर आया 0.02, 6.63 मेरा आंसर आया था, करेक्ट कैसे करूं? तो क्या आंसर आया? 6.61 मेरा आंसर आया। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अगर मेरा एरर, अब देखो जीरो ऊपर है नीचे, ये वाला ऊपर चला गया, पहले ये नीचे था, तो अब चार वाली ऊपर है ना, तो उसको मैं एरर 0.04 लेकिन नेगेटिव में। अब मैं क्या करूंगा, मेरा आंसर 6.63 आया है तो वो 6.67 होगा। तो सिंपल बात क्या है, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस -10 ग्राम शो कर रहा है, मिस्टर फार क्या शो कर रहा है, और आपने 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या रीडिंग देगा? 90। और सही रीडिंग क्या है? तो आप क्या करेंगे, तो नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं और पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस +5 रीडिंग शो कर रहा है एरर, और मेरा 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट 105 नजर आ रहा है वहां पर, तो मैं क्या करूं? 5 माइनस करूंगा। तो ये सिंपल बात ये है, जो एरर आपके पास है अगर वो पॉजिटिव एरर है तो फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर नेगेटिव एरर है तो फाइनल आंसर में उसी को ऐड कर दो, ताकि आपका आंसर ठीक हो जाए, उसमें एरर खत्म हो जाए। हम कैसे पता करेंगे एरर पॉजिटिव है नेगेटिव? माइक्रोमीटर के जॉज को क्लोज करेंगे, रीडिंग जीरो आनी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आ रही, तो अब दो बातें होंगी, जीरो से ये वाला जीरो नीचे ऊपर है, नीचे है, तो कौन सा एरर है? ऊपर है तो नेगेटिव। कितना ऊपर है? दो। तो 0.02। कितना नीचे है? 0.04। अब ये माइनस में है और प्लस में, जो प्लस वाला है उसको माइनस कर देना, और जो माइनस वाला है उसको प्लस कर देना। बात समझ आ रही है? इसमें मैंने आपको लॉजिक दी है, देखें सुने, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उस पर रीडिंग आ रही है माइनस टेन आ रही है। मैं 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखूंगा, आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या शो कर रहा है, क्योंकि वो जीरो से मेजर नहीं कर रहा ना, वो तो -10 से मेजर कर रहा है। -10 से 100 आगे क्या आता है? 90 आता है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? 100। तो मैं 90 को 100 बनाने के लिए क्या करूंगा? जो मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में -10 का एरर है, मैं उस -10 के एरर को एलिमिनेट कैसे करूंगा? प्लस करूंगा। तो नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं, नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं और पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल बात है, पता कैसे चलेगा नेगेटिव है पॉजिटिव है? जॉज को क्लोज करेंगे, अगर जीरो सर्कुलर स्केल वाला जीरो नीचे है और ऊपर है तो सिंपल बात, कितना ऊपर है कितना नीचे है उसको देख लें आप, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करें और अपने आंसर में ऐड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द स्टूडेंट विशेस टू मेजर डायरेक्टली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुटबॉल। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है?
स्ट्रेट लेंथ, कर्व लेंथ चाहे कोई भी हो, कर्व लेंथ चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी वेस्ट हो, वो मीटर रूल से मेजर नहीं, वो माइक्रोमीटर से मेजर नहीं, वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं, हमेशा कर्व लेंथ चाहे कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी हो, मेजरिंग टेप से ही मेजर होगी, क्योंकि मेजरिंग टेप के पास ही जो है ये प्रॉपर्टी है कि वो बेंड हो सके, बाकी रूलर्स बेंड नहीं हो रहे। आगे पढ़े बेटा, माइक्रोमीटर्स, मीटर रूल्स, टेप्स एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। Which row identifies the most suitable device for accurately measuring the stated length? Length is 0.15 millimeter. 0.15 millimeter का मतलब है 15 centimeter. Measuring device लिखी है माइक्रोमीटर, क्या रेंज में आ रहा है उसके? 15 centimeter का मतलब है 150 millimeter. Out of range चली गई, ठीक है? 0.50 millimeter. Meter rule. Meter rule 1 millimeter measure करता है, 0.5 मिलीमीटर मेजर नहीं करता। 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर मीटर रूल मेजर कर सकता है। 0.15 मीटर को क्या कहते हैं? 15 सेंटीमीटर। टेप मेजर कर सकता है इसको या नहीं कर सकता? तो आंसर सी है। अब डी क्यों नहीं है? 0.50 मीटर का मतलब है 50 सेंटीमीटर। बढ़ने के लिए पर 15 टू 25 सेंटीमीटर होते हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। तो आंसर इसका इसमें देखें लेंथ कितनी दी है, पहले मुझे बताएं, रेंज देखकर बताएं। 0.01 से 0.25 होती है ना, 15 लिखा है, कितना लिखा है देखिए, चेक करें। 25 मिलीमीटर लिखा है। 0.01 से लेकर 25, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसमें से कौन सा है? अब दो के आंसर मीटर जो है ना, ये आपके पास रेंज में ये भी है, लेकिन जो लिखा हुआ है ऊपर एक्यूरेटली, तो ज्यादा एक्यूरेट इन दोनों में से कौन सा है? ए और सी में से। व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी? सी। व्हाई नॉट बी? बिकॉज़ टेम्परेचर डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, सही है। जो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है वो वेक्टर होती है। वेट इज अ फोर्स, सही है। वेट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय, इन एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अस इज आवर वेट। तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ है, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको वेक्टर कह रहे हैं। तो आंसर इसका सी है। बाकी स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, मास में डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर में डायरेक्शन नहीं होती। कभी भी आपने नहीं सुना होगा आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, या राइट साइड पर इतना है तो लेफ्ट साइड पर इतना है, कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दो फोर्सेस हैं, 4 न्यूटन और 2 न्यूटन, विच स्केल डायग्राम शोज द फोर्सेस दैट हैव रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। अच्छा, मैं पहले मेरा सवाल सुन लें आप लोग, ताकि आपको आसानी हो जाए, मेरे सवाल का जवाब दे सकेंगे तो ये भी जवाब दे दें। 4 न्यूटन और 2 न्यूटन अगर 0 डिग्री पर हो तो क्या आंसर होता है? वरुण कैसे? 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन, तो 4 न्यूटन और 2 न्यूटन अगर सेम डायरेक्शन में है तो आंसर क्या हो गया? 6। और अगर 180 में है तो 2, तो इसका मतलब है 2 से लेकर 6 तक सारे आंसर्स इसके पॉसिबल हैं 4 और 2 के, है ना। मुझे बताओ डी का आंसर क्या है? डी का आंसर 2 है, लिख लें जरा डी पर, लिख लें 2 न्यूटन। तो डी हमारा आंसर है या गलत है? हमें क्या ढूंढना है? 4 ढूंढना है। सवाल पढ़ नहीं रहे तुम वरुण और पाती है। सवाल पढ़ो, सवाल क्या लिखा है उसमें? Which scale diagram shows the forces that have resultant of 4? D का आंसर क्या है? 2 आ रहा है। हमें क्या ढूंढना है? 4 ढूंढना, ठीक है। अब C पर मुझे बताएं क्या एंगल है? 90 है ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? 90 सही है। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 20 का रूट 4.47, लिख लो 4.47 सी पे। ना आंसर डी है ना आंसर सी है। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुने, एंगल 0 हो तो आंसर मैक्सिमम आता है, एंगल 0 हो तो आंसर मैक्सिमम आता है। 4 और 2 का एंगल 0 है, 6 आ रहा है, और 4 और 2 का एंगल 180 हो तो आंसर आता है 2। एंगल 0 आंसर
मैक्सिमम, एंगल मैक्सिमम, आंसर मिनिमम, आंसर मिनिमम। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे जैसे अब मुझे बताओ बी और ए में से ज्यादा एंगल किसका है? बी बी का एंगल ज्यादा है तो मिनिमम होगा, तो बी का आंसर 4.47 से कम होगा, कम होगा, और ए का आंसर 4.47 से ज्यादा, तो आंसर क्या है? बी फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात जरा गौर से रुक कर तमीज से सुने। एंगल 0 डिग्री, आंसर क्या है? 6। एंगल 180 डिग्री, आंसर क्या है? 2। जब एंगल 0 है आंसर मैक्सिमम आ रहा है, और जब एंगल मैक्सिमम है आंसर मिनिमम आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है? नहीं हो रहा। 90 पर आंसर आ रहा है 4.47, 90 पर आंसर आ रहा है, मुझे क्या चाहिए? 4। मुझे आंसर ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो मैं एंगल बढ़ा दूंगा, मुझे आंसर 4.47 से कम चाहिए तो मैं एंगल बढ़ा दूंगा। एंगल बढ़ किस में रहा है? बी में या ए में? बी में। ए में एंगल 90 से कम है, बी में एंगल 90 से ज्यादा है, एंगल बढ़ाऊंगा तभी तो आंसर मुझे 4.47 से कम मिलेगा, क्योंकि 4 चाहिए, 4.47 नहीं चाहिए। तो मुझे आंसर चाहिए, अगर 4 चाहिए आंसर, तो मैं 4.47 से मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए एंगल को बढ़ाऊंगा, एंगल बढ़ रहा है बी में, तो आंसर क्या है इसका? बी, बी आंसर है, ठीक है। और ए का आंसर 4.47 से ज्यादा है, जबकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ें। जी बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। टू स्मॉल पुलिंग अ लार्ज शिप इन अ हार्बर, फिगर 1.1 रिप्रेजेंट्स द व्यू फ्रॉम अबव एंड शोस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑन द शिप। कितना डिग्री बन रहा है? 20। और कितना मैग्नीट्यूड है? 49 किलो, मतलब 49,000 न्यूटन, सही है। एक का एंगल 20 डिग्री अबव है और एक का एंगल 20 डिग्री बिलो है। रिजल्टेंट बनाने हैं, 3 पॉइंट्स बताएं जल्दी से, मैंने जो लिखवाए थे प्रोसीजर में, मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ड्रॉ एनी, मेरी बात सुन ले, ठीक है, ड्रॉ एनी वन ऑफ द टू वेक्टर्स पर स्केल, स्केल सिलेक्ट करो। 1 किलो न्यूटन लिखते हैं हमेशा, क्या लिखते हैं? 10 किलो, ये नहीं, हमेशा क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब बताएं 10 किलो, 1 सेंटीमीटर अगर 10 किलो न्यूटन है तो 49 के लिए कितने की लाइन मिलेगी? 4.9, सही। और अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर 7 ले लें, तो 7 बनेगा, लेकिन आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं 7 लूंगा तो मेरी डायग्राम थोड़ी बड़ी बनेगी, और डायग्राम जितनी बड़ी बन सके उतना अच्छा होता है, जितनी छोटी डायग्राम होगी उसमें चांस ऑफ एरर उतना ज्यादा होगा। तो आप स्केल ऐसा सिलेक्ट किया करें कि आपकी रिक्वायर्ड स्पेस के हिसाब से बड़ी डायग्राम बन जाए। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन ले लें, तो क्या उसमें मसला तो नहीं है? 7 सेंटीमीटर की लाइन बड़ी बनेगी, 4.9 सेंटीमीटर की लाइन छोटी बनेगी, और उसमें एरर ज्यादा क्यों होगा? 1 पॉइंट का भी डिफरेंस आएगा ना, तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर में एरर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन लिख लिया आप लोगों ने। अब मुझे बताएं, दो वेक्टर्स हैं इसके, एक 20 डिग्री अबव और एक 20 डिग्री बिलो, आप पहले कौन सा बनाना चाह रहे हैं? अच्छा, एक बात और भी सुननी है इसमें, इस डायग्राम में एंगल है या नहीं है? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाए, एक स्ट्रेट लाइन बनाए, एक्स एक्सिस बनाए, ये पहले जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? प्रोट्रैक्टर चाहिए, फिर प्रोट्रैक्टर को आप रखेंगे इस तरह से कि प्रोट्रैक्टर का 0 आएगा, यहां पर, सही है। ये लाइन कितने सेंटीमीटर, ये लाइन कितने भी सेंटीमीटर की बना लें, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक एक्सिस बनाई, इसके ऊपर प्रोट्रैक्टर रखकर कितने एंगल ढूंढना है आपने? 20 डिग्री पर आप क्या करेंगे? डॉट लगा दें, फिर उस
इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाएगी। किस पॉइंट से? ये ए पॉइंट है और दूसरा क्या पॉइंट है? बी। ये जो पॉइंट बी है, ए से बी पॉइंट मिल गया ना आपको, ए से बी तक कितनी लाइन बनेगी? 7 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। आपने प्रोट्रैक्टर से क्या मेजर किया? एंगल। और फिर उस एंगल की डायरेक्शन में आपने कितने की लाइन बना दी? 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। ठीक है, ये लाइन होनी चाहिए 20 डिग्री पर 7 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, एरो बन गया, कितने वेक्टर बन गए? एक वेक्टर बना। इस वेक्टर के हेड से, इस वेक्टर के हेड से मुझे दूसरा वेक्टर बनाना है, कितने डिग्री पर? 20 डिग्री पर। नीचे की तरफ 20 या ऊपर की तरफ 20? नीचे की तरफ 20। आप जरा डायग्राम देखें, दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस से नीचे 20 डिग्री पर है या ऊपर 20 डिग्री पर है ना? तो मैं दोबारा से ग्रीन लाइन बना रहा हूं, क्यों? एंगल प्रोट्रैक्टर के लिए बना रहा हूं ताकि मैं यहां प्रोट्रैक्टर रख सकूं। यहां प्रोट्रैक्टर कैसे रखूंगा? उल्टा प्रोट्रैक्टर रखना है यहां, यहां प्रोट्रैक्टर ऐसे आ रहे, क्योंकि 20 डिग्री नीचे की तरफ आपने मेजर करना है, ऊपर की तरफ तो मेजर नहीं करना। कर तो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना, मगर आंसर गलत है। हाँ ये बोलो ना, कर तो सब कुछ सकते हैं, यहाँ पे तो इतने हुनरमंद है, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो। जी क्यों दोबारा से प्रोट्रैक्टर रखना है? जब भी एंगल का काम होगा पहले एक एक्सेस बना लेंगे ताकि आपको पता चल जाए आपने प्रोट्रैक्टर की जो लाइन है वो रखनी कहाँ पर। हाँ उस वाले पे बनाए, देखो मैंने बनाई है ना ऊपर ग्रीन। ये जो ग्रीन लाइन है ये वेक्टर्स नहीं है, ये हमारी आसानी के लिए कि हम प्रोट्रैक्टर रख सके और हमें पता हो कि एक्स एक्सिस कहां पर है। ठीक है, अब इस पर 20 डिग्री मेजर करें, ये रहा 20 डिग्री, यहां डॉट लगा दें 7 सेंटीमीटर। नहीं बिटाने का, सही है, 20 डिग्री के डॉट लगा दिया आपने। ट्वेंटी पर डॉट लगा दिया आप लोगों ने। अब क्या करेंगे इस डायरेक्शन में, क्या करेंगे? ये इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे आपने, और फिर इसमें एरो भी बनेगा। दोनों वेक्टर्स बन गए, पहले वाले की टेल कहां है? पहले वेक्टर की टेल कहां है? पहले वेक्टर की टेल कहां है? ए पर है। दूसरे वेक्टर का हेड कहां है? बी पर नहीं है, यहां पर है। पहले वाले की टेल, दूसरे वाले का हेड, लाइन बना दो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन From the tail of first to the head of second. सर कहां से कहां तक? पहले वाले की टेल, देखो मैंने रेड लाइन बनाई है, पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड, और उस पर लाइन बनाकर दो एरो बना दो टेल टू हेड, मतलब राइट साइड पर एरो बनेगा। अब इस लाइन की लेंथ लें आप लोग, वेरी गुड, 13 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। अब आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर 7 किलो न्यूटन के बराबर है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आंसर आया? 91। जितनी भी आपके पास आ रही है रेंज गिवन होती है, ये मैनुअल काम है, इसमें हर एक का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, एक रेंज है। इसका आंसर 90 से लेकर 94 तक है। 13 आ रही है मल्टीप्लाई बाय 7। देखो स्केल क्या लिखा है आप लोगों ने, तो तुम्हारा आंसर 13 आ रहा है। अगर 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 इंटू 7 करोगे ना, क्योंकि तुम्हें फोर्स बतानी है, तुम्हें लेंथ थोड़ी बतानी थी। नाइन्टी वन किलो न्यूटन, समझ आए? तीन स्टेप्स क्या है मुझे बताओ जरा चंदर। पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ Any vector, any one of the two vectors
पर स्केल। फिर क्या है दूसरा वेक्टर, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड। फिर आप क्या लेते करते हैं लेंथ लेकर कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपली करना है। ट्रैफिक लाइट्स आर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल चेंज एंड द वेट ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, ऑन फिगर 1.1 मार्क an arrow that represents a tension in the horizontal chain. Horizontal chain diagram में नजर आ रही है आप लोगों को? Yes sir. उस पर tension force है। आप horizontal chain में आपके पास या तो arrow आप right बना सकते हैं या left बना सकते हैं। इसके अलावा तो कोई option नहीं है ना, up and down बनाने का तो कोई option नहीं है। Horizontal chain में या तो arrow आप right बना सकते हैं या left. Weight किस तरफ act कर रहा है? नीचे की तरफ। Weight हमेशा downward act करता है। Tension और weight एक दूसरे को oppose करती है। तो आप बताएं टेंशन फोर्स वेट फोर्स अगर डाउन हेड कर रही है तो टेंशन राइट बनेंगे लेफ्ट? राइट बनेगा। ओपोज कर रही है का मतलब क्या है? लेफ्ट हो जाता है, अगर लेफ्ट होती तो राइट हो जाता बेटा। टेंशन फोर्स वेट फोर्स को ओपोज कर रही है। ओपोज का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, उसके उसकी मुखालफत में एक्ट जो है ना वो एक्ट कर रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट आगे मूव करना चाह रहा है तो उसको पीछे खींच रही है, पुल कर। तो अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो टेंशन फोर्स अगर आप लेफ्ट पर बना देंगे तो एक्चुअली आप ये शो कर रहे होंगे कि वेट और टेंशन एक दूसरे को ऐड कर रही है, लेकिन एक दूसरे को अपोज करती है, विच मीन्स एक दूसरे के खिलाफ एक्ट करती है, अगेंस्ट एक्ट करती है। ठीक है, सो इफ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड देन टेंशन फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। और हमेशा एरो आपने चेन पर ही बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऊपर हवा में एरो बना देते हैं। चेन में टेंशन फोर्स है ना, तो चेन में एरो बनेगा, ऊपर एरो बनाकर राइट साइड पर एरो नजर नहीं आना चाहिए। चेन पर ही सिर्फ एरो बनाना है। और इस तरह से वेट फोर्स भी ट्रैफिक लाइट्स जो है ना इसमें से एरो बनेगा, हवा में एरो नहीं बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। कोई स्टूडेंट अगर यहां पर वेट फोर्स के लिए अलग से बाहर एरो बना देगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने यहां पर टेंशन फोर्स शो की, ये गलत कंसीडर किया जाएगा। फोर्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्ट कर रही हैं तो ऑब्जेक्ट से जो है ना उसका कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इसको बात भी कर लें, यहां पर लिख लें टी और यहां लिख लें डब्ल्यू। मुझे बताएं डब्ल्यू कितना है? 240 है, क्वेश्चन में गिवन है 240 न्यूटन वेट फोर्स है, 240 न्यूटन इज वेट। नेक्स्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल चेन इज 140। टी कितना दिया हुआ है? 140। डब्ल्यू कितना है? 240। डब्ल्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड, टी की डायरेक्शन राइटवर्ड। अब क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तीन स्टेप्स बताएं वरुण, बता दो मैं लिख लूं। तीन स्टेप्स आएं, ड्रॉ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स पर स्केल। कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास? दो। कौन कौन? टेंशन और वेट। स्केल सेलेक्ट करें, क्या स्केल सेलेक्ट करना चाहिए? 240 और 140 के लिए क्या स्केल होना चाहिए? 20 न्यूटन पर 1 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन का है, एग्जांपल दे रहा हूं अभी बनाना नहीं, तो 240 के लिए 12 की जगह है आपके पास, देखें इसीलिए मिस्टर फहद कह रहे हैं, उनका कहना यह है, सुने इनकी बात, मिस्टर फहद ये कह रहे हैं कि एक सेंटीमीटर को 40 न्यूटन ले लेते हैं, तो 240 के लिए 6 सेंटीमीटर और 140 के लिए 3.5, तो क्या ये सही है? और आ जाएगी इस जगह पर, ठीक है। तो आप स्केल लिखें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो और पहले कौन सा वेक्टर बनाना चाहते हैं आप लोग, टेंशन या वेट? मर्जी आपकी मर्जी है, सब अपनी अपनी मर्जी कर सकते हैं, जल्दी से काम करें। 1 सेंटीमीटर 40 न्यूटन और 6 सेंटीमीटर 240, 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 140 न्यूटन। सो इफ यू आर ड्रॉइंग फॉर वेट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली इफ यू आर ड्रॉइंग फॉर टेंशन फोर्स यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर right for tension, downwards for weight.
लेकिन जो वेक्टर आप पहले बनाएंगे दूसरा वेक्टर उसके हेड से बनेगा. सो इफ यू आर ड्रॉइंग वेट डाउनवर्ड्स देन यू हैव टू ड्रॉ टेंशन फोर्स फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर व्हिच इज वेट. तो मैंने देखा पहले क्या बनाया है, वेट बनाया है. 6 सेंटीमीटर की लाइन अगर आप डाउनवर्ड बना लेंगे तो फिर आप हेड से बनाएंगे टुवर्ड्स राइट. कितने की 3.5 सेंटीमीटर. रिजल्टेंट कहां से कहां होता है सर? पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड पर. उसकी लेंथ ले लें आप. उसके हिसाब से मुझे आंसर बताएं. 6.8 सेंटीमीटर आ रही है मेरे पास. मेरे पास भी 6.8. तो मैं इसको लिख रहा हूं 7. अगर 6.8 या 7 जो भी आपके पास आ रही है, अगर 7 आ रही है तो 7 × 40 = 280 न्यूटन आंसर हो जाएगा. आंसर आ गया. स्केल क्या लिखेंगे आप? 1 × 10⁻¹⁴ न्यूटन. ठीक है. अब दिखा नीचे रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट कितनी आई है? 280. जो 280 आई है वो लिखना. अच्छा, अब इसमें अगर मैं एंगल मेजर कर लूं, कभी कभार होता है वो डायरेक्शन भी पूछता है. ये देखिए एंगल कितना आ रहा है. एंगल देखिए चेक करें कितना आ रहा है. प्रोट्रैक्टर यार आपके पास अगर मैं वर्टिकल से मेजर करूंगा तो 30 आएगा. यहाँ पर कितना आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस जगह पर मैंने क्या लिख लिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो जो 60 है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है. वेस्ट टू नॉर्थ 60 है या नॉर्थ टू वेस्ट 60 है? वेस्ट टू नॉर्थ 60. जीरो कहां रखेंगे? जीरो वेस्ट पे होगा. आपने 60 मेजर किया है इस डायरेक्शन में ना, आपने 60 इस डायरेक्शन में मेजर किया है ना, इसका मतलब आपने वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मेजर किया. तो आप इसको लिखेंगे 60 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ, या फिर आप इसको कहते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट. क्या कहते हैं? नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट टू नॉर्थ. तो इसको आप क्या लिखेंगे? बोला नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में होता राइट डाउन इट्स डायरेक्शन तो मैं क्या लिखता? मेकिंग 60 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ. सही है. 280 न्यूटन मेकिंग 60 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ.